टू माई यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि डेली आपकी शाम को 7 बजे टॉप 125 क्वेश्चंस की श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम 125 क्वेश्चंस पर वार कर रहे हैं डेली आपके। ठीक है, तो जिसने इसके पहले वाली क्लासें नहीं देखी है ना, तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट वाले सेशन पे, आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल नंबरिंग डली हुई है 1, 2, 3 ऐसे करके, तो देख लीजिएगा। ठीक है, और एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है, फिर अपनी क्लास को हम स्टार्ट कर दें। सभी लोग एक बार जल्दी से कर देंगे मैसेज कि आवाज वगैरह सब क्लियर है। शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ, नमस्ते मैम, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, क्लियर वॉइस, क्लियर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हमारे साथ काफी बच्चे जुड़े हैं, उनका नाम लेते हैं फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं समीर आर्ट्स, विवेक, सुमन, डॉक्टर राजेंद्र, प्रदीप, विजय, प्रियंका, प्रेमलता, ए फॉर आर्ट, और हाँ, प्रेमलता, रोहित, रामचरण, रीमा राजपूत, अंजना, बहुत अच्छा, आरती, सुमन, आनंद, रामचरण, चलिए मिथिलेश, चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, निशांत जी, चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग, चलिए शाबाश, बहुत अच्छा। हाँ, काफी बच्चे जुड़े हैं, रचना जी भी आ गई हैं। ठीक है, चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हाँ, जय श्री राम, आ जाओ। हाँ, चलिए आगे चलते हैं, अब हम सीधे अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, पूछा गया है लंदन के सच्चा जाफरी नामक कलाकार के द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी कैनवास पेंटिंग 23 मार्च 2021 को एक नीलामी में बिकती है, और वो कितने रुपए में बिकती है, ये आपसे पूछा गया है। हाँ, आ जाइए, ठीक है, आ जाओ जल्दी से फटाफट से। 450 करोड़, 90 लाख, 500 करोड़, 1100 करोड़, बताइए। पहले का क्वेश्चन पूछा गया है, लंदन के सच्चा जाफरी है एक कलाकार, इनके द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी कैनवास पेंटिंग है, जिसको 23 मार्च 2021 को एक नीलामी में बेचा जाता है, और वो कितने रुपए में मतलब कितने में बिकी हुई है। शाबाश, बहुत अच्छा, 450 करोड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ आपको करंट के भी क्वेश्चन मिलेंगे और आर्ट के भी मिल जाएंगे साथ में। ठीक है, चलिए, पूछा गया है भीमबेटका में कौन से चित्र है, प्रागैतिहासिक है, कुल मिलाकर पूछा गया है किससे संबंधित है, बताइए भीमबेटका के चित्र जो है वो किससे संबंधित है। हाँ, बहुत अच्छा, सेकेंड का आ गया है ऑप्शन ए, प्रागैतिहासिक। ठीक है, आगे तीसरा क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव का मंदिर और जगदम्बा मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये स्थित लिखा हुआ है, खजुराहो में है, छतरपुर में है, भोपाल में है, कि एलोरा में है, बताओ। छतरपुर में है ना, कि खजुराहो में है, बताओ जल्दी से, कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है। हाँ, इन्हीं में कंफ्यूजन होगी आपको, हमें पता था, थर्ड का ये, बहुत अच्छा, ये खजुराहो में है, याद रखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है किस काल के मानव ने सबसे पहले चित्रकला का प्रयोग किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर पाषाण, वैदिक काल, मध्य पाषाण काल, आधुनिक काल, सभी लोग बताएंगे एक साथ, कौन से काल का मानव था जिसने सबसे पहले चित्रकला का प्रयोग किया था। हाँ, बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छी रिप्लाई आ रही है आप लोगों की, तैयारी बहुत दमदार है, और आपको आज हम एक वीडियो बना के बता देंगे कि आपका एग्जाम जो है ना, अब ज्यादा देर नहीं होने वाली है, एग्जाम होने ही वाला है आपका, बिल्कुल से लग जाओ। ठीक है, हाँ, ऑप्शन ए होगा आपका, उत्तर पाषाण काल, जिसे हम क्या बोलेंगे, नवपाषाण काल में। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त होता है, अमरनाथ, बेलारी, मिर्जापुर, मानिकपुर, बताइए फिफ्थ का क्या होगा। घायल सुअर पूछा गया है, बताओ, घायल सुअर की बात हो रही है। शाबाश, बहुत अच्छा, मिर्जापुर, वेरी गुड अंजना शुक्ला, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऑप्शन सी होगा, सॉरी ये दिया है जो डी दिया है, जो भी, मिर्जापुर आपका
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा गया है जीराफ समूह, जीराफ ग्रुप, इसका चित्रण कहाँ मिलता है? ये ग्रुप लिखा हुआ है, ठीक है, ये बीच के पता नहीं क्यों कट जाया करते हैं। आदमगढ़, भंडरिया, पंचमुखी, लिखुनिया, कहाँ से मिलता है बताइए? जीराफ ग्रुप का जो संबंध मिलता है वो कहाँ से मिलता है? बहुत अच्छा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपके आदमगढ़ से मिलता है। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पूछा जा रहा है, देखिए कुत्तों की लड़ाई हो गई, समझ लीजिए बस, एग्जाम नज़दीक है। ठीक है, पूछा गया है भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है चित्रकारी से, शिला चित्रों से, चित्रलिपि से, या फिर भित्ति चित्रों से? भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हमें कहाँ से मिलता है देखने को? फटाफट से करेंगे एक साथ आंसर सेवेंथ का। हाँ बहुत अच्छा, तो ये हमें शैल चित्रों से मिलता है, ठीक है, गुफाओं में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कला का वह कौन सा तत्व है जिससे किसी चित्र में धरातल के गुण की अनुभूति होती है? बताओ, धरातल का गुण हमें पता कहाँ से चलता है? रंग से, पोत, रूप, रेखा, ये रेखा लिखा है। ठीक है, क्या होगा एट्थ का? बहुत अच्छा, मतलब क्वेश्चन देखते ही आंसर आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना कितनी अच्छी तैयारी है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी ये है आपका पोत। ठीक है, बहुत अच्छा, शाबाश, आगे बढ़ जाते हैं। दिया है कौन सा खनिज रंग नहीं है बताइए? नहीं बोला है, गेरू भी है, रामरज भी है, काजल भी है, या पेवड़ी भी है, कौन सा नहीं है बताओ जल्दी से? खनिज रंग कौन सा नहीं है, खनिज की बात हो रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश, काजल आपका नहीं है। ठीक है, ये रासायनिक रंगों में आता है। आगे नेक्स्ट है, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कहाँ से मिला है बता दो, ये भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है क्या? बताओ जल्दी से कहाँ पर है ये, क्या होगा आपका राइट आंसर? वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश, कराची, 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 वेरी गुड, बहुत अच्छा, आंसर आपका डी है, राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में ये संग्रहित है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा आंसर आया है आपका, हाँ मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले उत्खनन कार्य किस स्थान पर होता है? हड़प्पा में होता है क्या, या सिंधु में, मोहनजोदड़ो में, चहुंद्रो में? बताओ, हो सकता है थोड़ा सा घूम जाए, लेकिन जहां तक हमें पता है आप लोग घूमने वालों में से नहीं है, घुमा चाहे दो दूसरों को। हाँ बताओ, हेलो मैम, हेलो मैम, हाँ बता दो जल्दी से बेटा, का हो गया? हाँ इस पे बताओ, ग्यारहवें नंबर पे, बिल्कुल ये है आपका हड़प्पा। ठीक है, सिंधु मत लगाना, हड़प्पा होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट, धातु निर्मित जो नर्तकी मिली है वो कहां से मिली है? फटाफट से छापो, सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, बारहवें पे, बहुत अच्छा, आंसर आपका सी आया है, शाबाश, ये है आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। दिया है सिंधु सभ्यता के जीवन में कौन से पशु का सर्वाधिक महत्व है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ। थर्टीन पेंगे सबसे, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बैल, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी होगा। आगे नेक्स्ट है, बताइए, हाँ पूछा गया है अर्जुन की तपस्या का दृश्य कहां पर उत्कीर्ण है? सांची, भरहुत, महाबलीपुरम, कालसी? तो कहां पर है ये? महाबलीपुरम में। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, पूछा गया है फाविस्ट चित्रकार कौन है? भाववादी कलाकार पूछे हैं, जंगलवादी बताइए, माने, मोने, मातिस, मोंड्रिया बताइए। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये मातिस हो जाएगा। आगे, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम पांच शिष्यों को जो पहला धर्मोपदेश दिया था वो कहां दिया था बताओ जल्दी से? पांच शिष्यों को दिया था ना, सांची में, श्रावस्ती, लुम्बिनी, सारनाथ, कहां दिया था? तो पता है सभी को, ऑप्शन डी, वाराणसी के सारनाथ में दिया था। ठीक है, आगे, सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति नृत्य किशोरी किसके संग्रह में है बताइए?
चलिए करेंगे आंसर। हाँ बहुत अच्छा आंसर आ गया है, ऑप्शन सी बिल्कुल, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत की सबसे प्राचीन मूर्तियां कहाँ मिली हैं? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के ध्वंसावशेष से, मौर्य युग में, राजगृह में, बताइए क्या होगा आंसर इसका। प्राचीन मूर्तियां पूछी गई हैं आपसे, 18वें का ए दे रहे हैं। अच्छा शाबाश बहुत अच्छा, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के ध्वंसावशेष से हमें मूर्तियां मिली हैं। ठीक है आगे पूछा गया है, एक मरे हुए सुअर को पकड़कर ले जाने का जो दृश्य दिखाया गया है वो कहां पर चित्रित किया गया है? बताइए 19 नंबर, बताइए। एक मरे हुए सुअर को जो ले जाया जा रहा है ये कहां पर मिला है हमें? 19 नंबर पे आइए, थोड़ा छोटा कर दे लीजिए। बहुत अच्छा, हाँ 19 नंबर पे आओ। हाँ शाबाश बहुत अच्छा, ऑप्शन डी ये भीमबेटका से हमें मिला है। ठीक है हाँ चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर पूछा गया है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति जो बहुत चर्चा का विषय बनी है वो कौन सी है? भैंसा है, वृषभ है, नर्तकी है, हाथी है, बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, गलती कोई नहीं करेगा। ठीक है शाबाश 20 का सी दे रहे हैं, वेरी गुड। नर्तकी युवती यहाँ का चर्चा का विषय है। ठीक है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल से सांस लेने की भी अब बिल्कुल भी समय नहीं है कि आप लोग सांस भी ले पाए, क्योंकि इतना जल्दी सब कुछ होने वाला है ना। हाँ बिल्कुल आंसर आ गया है, मोहन जोदड़ो से मेरा है। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही है? चलिए पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के मकान बने थे, वो वॉइस को क्या हो गया, क्या हो गया भाई वॉइस को? आवाज नहीं आ रही है, आ तो रही है ना आवाज? आवाज तो सही है भाई, आ तो रही है ना आवाज? हाँ चलो, हड़प्पा सभ्यता के मकान बने थे तो ईंटों से बने थे। ठीक है हाँ आगे चलते हैं। पूछा गया है, मिट्टी का बना जो हल है इसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, बनावली से, काली बंगा से, बताओ। अच्छा हेलो, हाँ, क्लास चल रही थी। काट दो, वहीं से काट दो। चलिए हाँ तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है बनावली से मिला हुआ है। ठीक है आगे नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र क्या है, कैसा है? वृत्ताकार है, वर्गाकार है, टेढ़ा मेढ़ा है या तिकोना है, बताओ कैसा है ये? हाँ 24 नंबर, तो आपने पढ़ा होगा इस तरह से आपका यहाँ पे मिलता है, ऑप्शन डी तिकोना है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है, धर्मराज का स्तूप कहाँ पर स्थित है? सारनाथ, अयोध्या, प्रयागराज, कौशाम्बी। धर्मराज का स्तूप आपसे पूछा जा रहा है, और धर्मराज का स्तूप की बात करें तो क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन ए आपका सारनाथ में है। ठीक है चलो आगे चलते हैं। वह कौन सा चित्रकार है जो ऐसा मानता है कि चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते अपितु रंग विधान मस्तिष्क की देन होती है? बहुत अच्छी लाइन बोली है इन्होंने, कौन है वो? लियोनार्डो विंची है, माइकल एंजेलो है, बोटिचेली है, रैफेल है। 26 पे आइए। हाँ तो ये बात किसने कही है?
बहुत अच्छी बात है, और इस कोटेशन को याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अंदर की बात बताएं, बिल्कुल एग्जाम आपके नजदीक है, बार बार बोल रहे हैं लापरवाही मत करना, जितने क्वेश्चंस करवा रहे हैं इनको जरूर कर लेना, ठीक है। हाँ, ऑप्शन बी माइकल एंजेलो ने कहा है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पूछा है कहाँ की गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी चित्रित है, बाघ, एलोरा, अजंता, बादामी। 27 पे आइए, क्या होगा आंसर? मरणोन्मुखी राजकुमारी की बात हो रही है और गुफा संख्या भी बतानी है आपको इसकी। बिल्कुल आंसर आ रहा है अजंता, शाबाश, अच्छा है आंसर। अब संख्या भी बता दीजिएगा, ठीक है। चलो 28 नंबर की बात हो रही है, चलिए अजंता की जो सबसे पहले बनी प्रतिलिपियां हैं वो कहाँ प्रदर्शित है पूछी गई है आपसे, और आप लोगों का आंसर भी आ गया है ऑप्शन सी, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में, आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे पूछा गया है फोलिए बर्जर का मदिरा ग्रह, इंपॉर्टेंट है, 1882 में बनता है, ये चित्र किसका है बताना है, मोने, माने, सोरा, पिसारो, बताइए। 29 नंबर, सभी बताएंगे एक साथ। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है माने का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, बाघ गुफा की खोज किसने की थी और कब की थी, बताइए। डेंजर फील्ड ने, जॉन स्मिथ, गोपीनाथ, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल आंसर की बात करेंगे, बाघ गुफा पूछी गई तो डेंजर फील्ड ने की थी, कब? 1818 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, तो लाल रंग के प्रकाश में कौन से रंग की वस्तुएं काली प्रतीत होती हैं, बताओ, हरे में, नीला, कत्थई, बैगनी, कौन सा प्रकाश डाल दिया जाए कि काला दिखने लगे, बताओ। लाल रंग के प्रकाश में कौन से रंग का वस्तु काला दिखेगा? हाँ, ऑप्शन ए, हरे रंग की जो होगी काली दिखेगी। आगे किस छापाकार का 27 मार्च 2021 को निधन हो जाता है, रामकुमार, सूजा, जय झरोटिया, गणेश पाइन, 32 नंबर, आंसर होगा किसका? शाबाश, जय झरोटिया, बहुत अच्छी तैयारी है सच में आप लोगों की, एकदम बिल्कुल बिंदास आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। आगे चलते हैं, एलिफेंटा गुफा की सीमाएं किससे घिरी हुई हैं, पहाड़ियों से, नदियों से, समुद्र से, टापू से, एलिफेंटा की बात हो रही है और वो आपके गुजरात वाला जो बॉर्डर होता है ना, ये वाला, ये पूरा किससे, पानी ही पानी भरा है और पानी को क्या बोलेंगे, समुद्र, ठीक है, ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, ग्रीक राजदूत मेगस्थनीज जो है वो किसके दरबार में रहता है, मेगस्थनीज की बात हो रही है, बताओ। 34, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, 34 पे आइए, ऑप्शन बी ये है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, इनके टाइम पे रहता है, कहां से आता है पता है किसी को? आगे है ग्वाचे, जिसे हम ग्वाश भी बोलते हैं, इसके, सॉरी, ग्वाश की बात हो रही है, हाँ ग्वाश की बात हो रही है, रंगों की प्रकृति कैसी होती है बताइए, पारदर्शी, अर्ध पारदर्शी होती है, अपारदर्शी, कोई नहीं, क्या होगा आंसर? हाँ ग्वाश की बात हो रही है, क्या होगा, इसी को ग्वाचे भी बोलते हैं, हाँ बिल्कुल आंसर है आपका, बिल्कुल ऑप्शन सी, अपारदर्शी होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट है असित कुमार हल्दार और नंदलाल बोस ने कौन से वर्ष में बाघ की प्रतिलिपियां बनाई थी, बताओ। अभी अभी हमने ऊपर खोज भी पढ़ ली है और किसने की है वो भी पढ़ लिया है, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि इनकी प्रतिलिपियां भी तैयार की हैं और किन्ने किन्ने की हैं ये भी पढ़ लिया है, अब कौन से वर्ष में की है ये पढ़ना बाकी रहा है, तो ये मिलेगा आपको यहाँ पर, बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी 1921 हो जाएगा, ठीक है। आगे ऊर्ध्वमुखी त्रिभुज ये किस चीज का प्रतीक होता है, ऊपर को गति या लिंग, दृढ़ता,
स्थूलता, गति किस चीज को दर्शाता है? ऊर्ध्वमुखी त्रिभुज। बताइए 37 का आंसर पूछा है आपसे। ऊर्ध्वमुखी त्रिभुज आंसर होगा ऊपर की गति को दर्शाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हमें लगता है आज किसी के गलत भी नहीं होंगे, पूरे सही हो रहे हैं लगभग सभी लोगों के। हम देख रहे हैं शुरू से सभी के आंसर बहुत दमदार आ रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए बताइए, पूछा गया है बादामी गुफा के जो चित्र है वो किन मतों से संबंधित है? बौद्ध ब्राह्मण, वैष्णव बौद्ध, जैन ब्राह्मण, इनमें से कोई नहीं। आज सभी लोग अपना अपना स्कोर लास्ट में बताएंगे कि हमने कितने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। ठीक है, चलिए आंसर आपका आ रहा है, शाबाश, ऑप्शन सी दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, जैन और ब्राह्मण से। ठीक है, आगे नेक्स्ट पे आते हैं। पूछा गया है मूविंग फोकस और द लिविंग ट्रेडिशन पर्सपेक्टिव ऑन मॉडर्न इंडियन आर्ट, ये पुस्तक है किसने लिखी है? बताओ जल्दी से। के जी सुब्रमण्यम, ए मुरे, जॉन स्मिथ, इनमें से कोई नहीं। 39 क्या होगा आंसर? बिल्कुल, शाबाश, ऑप्शन ए आ गया है राइट आंसर, के जी सुब्रमण्यम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ मिलता है? मेघ कन्या की बात हो रही है, सिगरिया, बादामी, सित्तनवासल, इनमें से कोई नहीं। 40 पे आइए। बिल्कुल, ऑप्शन ए सिगरिया। बताइए, पूछा गया है पेंटिंग एट बादामी 41, हाँ क्या होगा आंसर? पुस्तक पूछी है, आंसर होगा आपका स्टेला क्रैमरिस। ठीक है, आगे सिगरिया की जो प्रतिलिपियां हैं वो कहाँ सुरक्षित हैं? बताइए, भारत में है, अमेरिका में है, पेरिस में है, श्रीलंका में है, ये पूछा है मेनली आपका। 42 बिल्कुल, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है कोलंबो संग्रहालय, श्रीलंका में संग्रहित है। ठीक है, आगे बैगनी रंग जो है ये किसका पूरक है? लाल, नीला, पीला, काला, क्या होगा राइट आंसर? 43 बताइए। बिल्कुल, बैगनी रंग जो पूरक पूछा है ये है, आंसर क्या होगा? आंसर सभी बताएंगे 43 पे, हाँ स्लो नहीं पढ़ना है, 43 शाबाश, बहुत अच्छा, हाँ आंसर आ रहा है, रेस पे आइए जल्दी से, 43 पे शाबाश, अंजना शुक्ला का सबसे पहले आंसर आया, वेरी गुड, ऑप्शन सी पीला। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा गया है मामल्लपुरम और पन्नामलाई के भित्ति चित्र कौन से राजवंश के अधीन थे? मौर्य वंश, गुप्त, चालुक्य, पल्लव। 44 क्या होगा राइट आंसर? हाँ आंसर होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये है पल्लव वंश। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है बाघ के चित्रों में कौन सा दृश्य है जो बहुत संगीतमय और रोचक है? शोकाकुल स्त्री, स्त्री गायिकाओं के दल, बादलों में आकृतियां, हाथियों का जुलूस। 45 नंबर बताइए, 45 का क्या होगा आंसर? सभी करेंगे, शाबाश, सभी लोग बताएंगे। संगीत पूछा गया है कौन सा दृश्य है जो संगीतमय और रोचक है? हाँ चलिए आंसर की बात करते हैं, स्त्री गायिकाओं का दल, संगीत पूछा है ना, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा गया है एलिफेंटा गुफाओं को लगभग कौन सी सदी में बनाया गया था? बताइए क्या होगा आंसर राइट? हाँ सभी लोग करते जाइए फटाफट से, हाँ बिल्कुल, तो एलिफेंटा की गुफाओं को लगभग कब से कब तक बनाया गया है? 46 पे आएंगे सभी, हाँ बिल्कुल, तो ये आपकी 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच का हमें टाइम मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पूछा गया है पाल शैली के संरक्षक कौन है? चालुक्य, पाल शासक, शुंग शासक, हिंदू शासक। वैसे क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा, मतलब आज इजी है, सभी से लगभग बन रहे हैं, और आज हम किसी के बहाना नहीं सुनेंगे कि मैम हमने काउंट नहीं किए हैं, सभी लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएंगे।
ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, पाल शासक। आगे नेक्स्ट है, जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली कौन से विद्वान ने कहा है? ये हमने कल रात में ही 8 बजे वाली क्लास में पढ़ाया था, जो हम राकेश गोस्वामी सर की बुक करवा रहे हैं। हाँ, आंसर है आपका, क्या क्या है आंसर बताओ जल्दी से। 48 पे आओ फटाफट से, शाबाश, लगा दिया है आंसर, एके स्वामी, आपका ऑप्शन सी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पूछा गया है, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने 1924 में कल्प सूत्र की एक प्रति कहाँ से प्राप्त की थी? लाहौर से, कलकत्ता, बर्लिन, वाराणसी, कहाँ से की थी? सभी बताएंगे 49 का आंसर, बताइए। हाँ, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहे हैं, ऑप्शन सी, बर्लिन संग्रहालय। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो जैन लघु चित्रों का विषय क्या है? पशु पक्षी, शासक, तीर्थंकर और उनकी जीवनी, भारत कला भवन, वाराणसी। 50, आ जाओ, 50, आ जाओ जल्दी से फटाफट से। हाँ, जैन लघु चित्रों का विषय क्या है? तीर्थंकर और उनकी जीवनी है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? बताओ जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पढ़ा भी है। हाँ, क्या होने वाला है 51 का आंसर? पाल, बीकानेर, गुलेर, जैन। बहुत सही अंजना, वेरी गुड, सबसे पहले आंसर यही कर रही है, बाकी बाकी तो बस धीमे 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 पीछे पीछे चल रहे हैं। ऑप्शन डी, जैन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अपनी। चलो, जैन चित्र कागज पर कब बने हैं? 13वीं शताब्दी में, 12वीं, 15वीं, 14वीं। आ जाओ बिल्कुल से फुल ऑफ मूड में, बिल्कुल स्पीड बढ़ा लो, चाइना एक्सप्रेस बन जाओ बिल्कुल से अब। हाँ, 52 क्या है राइट आंसर? जैन चित्र का जो चित्र है वो कागज पर, 14वीं शताब्दी, ऑप्शन डी, आप ये जो दिया है ना आपका, 14वीं शताब्दी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पाल शैली में बने जो चित्र है वो बौद्ध धर्म के कौन से संप्रदाय से संबंधित है? हाँ, रामचरण जी का भी आ जाता है, चलिए आ जाओ, हीनयान, महायान, शादवाद, इनमें से कोई नहीं। 53, आ जाओ जल्दी से। पाल शैली में बने जो चित्र है वो बौद्ध धर्म के कौन से संप्रदाय से संबंधित है? छापो, हाँ ये आपके महायान, शाबाश, बहुत अच्छा आंसर आया है, शाबाश, वेरी गुड। पूछा गया है, अपभ्रंश शैली, जैन शैली को अपभ्रंश शैली कौन से विद्वान ने कहा है? कल ही पढ़ाए हैं, गलती कोई नहीं करेगा, छाप दो, किसने कहा है? 54B, वेरी गुड, राय कृष्णदास, शाबाश, बहुत अच्छे, अब बढ़ी है स्पीड। पूछा है, अपभ्रंश शैली जिसे हम जैन शैली भी बोलते हैं, इसका प्राचीनतम जो ग्रंथ मिलता है हमें वो क्या है? बताइए, औदन्यूर, ये जो दिया है ये है, या फिर निशीथ चूर्णी है, या फिर अंग सूत्र है, या इनमें से कोई नहीं है। 55 नंबर पे आ जाओ फटाफट से। हाँ, जो भारी भरकम लग रहा हो वही आंसर होता है। और अच्छा, क्या है आंसर? 55, शाबाश, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है अघर नियुक्ति वृत्ति, आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर, कल्प सूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ से प्राप्त हुई है? जौनपुर से हुई है क्या? सहारनपुर, अहमदाबाद, मुंबई, कहाँ से हुई है? कल्प सूत्र पूछा गया है आपसे। 56, आ जाओ जल्दी से, दौड़ लगा के एकदम स्पीड में। हाँ, ऑप्शन ए ये है, जौनपुर से। ठीक है, आगे आगे, धीमान और वित्तपाल ये कौन सी शैली के मुख्य चित्रकार हैं? गुजराती, अजंता, पाल, गुलेर। 57 पे आइए फटाफट से। धीमान और वित्तपाल की बात हो रही है, शाबाश, पाल शैली, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। बहुत सारे बच्चे मतलब कि बिल्कुल से जुट गए हैं, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आप लोगों की, सच में मानना पड़ेगा। आगे, जौनपुर से प्राप्त स्वर्णाक्षरों वाली 1467 की कल्प सूत्र की सबसे उत्तम
वाली प्रति कहां सुरक्षित है? बता दो जल्दी से। 58 का गलती कोई नहीं करेगा, ये बताओ। तो याद रखना है ये बड़ौदा के नरसिंह जी के पोलको ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है, ठीक है, याद रखना है। चले आगे, नेक्स्ट पे आते हैं। दिया है कोलाज माध्यम का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? कोलाज की बात हो रही है। सेजा, वॉन गॉग, मोने, माने, रूबेंस, ब्रुगेल, पिकासो और ब्रॉक। क्या होगा 59 का आंसर? फटाफट से छाप दो जल्दी से, एक साथ स्पीड में करेंगे सभी लोग आंसर। 59, बिल्कुल, वेरी गुड। जिसको हमने टिक नहीं किया है वही आपका राइट आंसर है, पिकासो एवं ब्रॉक ने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नंदलाल बोस की चित्रण शैली की विशेषता पूछी गई है। नंदलाल बोस की चित्रण शैली की विशेषता क्या है? रूप है, रेखांकन, छाया प्रकाश, यथार्थता। बताइए 60 नंबर पे क्या होगा। हाँ, क्या है आंसर? अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ, आंसर होगा क्या? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन डी ये है, यथार्थता, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर पूछा गया है, गीत गोविंद के चित्र जो है वो कौन सी शैली में बने हुए हैं? अपभ्रंश शैली, गुजरात शैली और जैन शैली, पश्चिम भारत शैली। 61 पे आ जाओ जल्दी से, स्पीड से। बहुत सही, 61 पे आइए फटाफट से। गीत गोविंद के जो चित्र हैं वो कौन सी शैली से संबंधित हैं? बताओ 61। ऑप्शन ए ये है, अपभ्रंश शैली से संबंधित है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ढोला मारू विषयक जो चित्र हैं वो किसमें बने हैं? जयपुर शैली, किशनगढ़, मेवाड़, मालवा। बताओ कौन सी शैली में हमें ढोला मारू मिलते हैं चित्र? बताओ। हाँ, उप शैली से पूछ लिया गया है, बिल्कुल ये है आपका मेवाड़ शैली से, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? निहाल चंद। अरे बहुत सिंपल है भाई, ये तो गलती नहीं करना है आपको। बताइए, बताओ जल्दी से, फटाफट से। 63। हाँ, तो यही है अपने निहाल बाबू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया है, राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप कौन सी शैली से प्रभावित था? पहाड़ी, दक्षिणी, मुगल, अपभ्रंश। 64। बताइए क्या होगा आंसर, कौन सी शैली से प्रभावित था? 64 आंसर होगा आपका, ऑप्शन डी ये है आपका, अपभ्रंश शैली से प्रभावित था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, बताइए। राजपूत पेंटिंग के लेखक पूछे हैं। क्या होगा आंसर, राजपूत पेंटिंग के जो लेखक हैं वो कौन है? बिल्कुल ऑप्शन बी आनंद कुमार स्वामी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज तो बहुत ज्यादा खांसी आ रही थी, बीच में थोड़ा सा रोकना पड़ रहा था बार बार, तो उसके लिए सॉरी बोलेंगे, ठीक है, डिस्टर्ब हो रहा था। चलिए तो आज हमें 65 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब इसके बाद जितने भी 125 में घटाकर 65 को जितने भी बचते हैं 125 तक, तो अब हम बाकी के क्वेश्चन जो होंगे वो कल करवा देंगे, ठीक है। मैम मेरे 61 सही हुए हैं, वेरी गुड एंजल, वेरी गुड। मेरे मैम 7 गलत हो गए हैं, प्रेमलता बोल रही हैं वेरी गुड, राजेंद्र कह रहे हैं 64 नंबर है मेरे, शाबाश, वेरी गुड। हाँ, अंजना के 62 नंबर हैं, अब्दुश्मत के 20, अरे पागलो। शिल्पी कह रही हैं 66 है, अच्छा 65 में 66 ले आई, वेरी गुड। सॉरी मैम आज तो 5 गलत हो गए, शाबाश, बहुत अच्छा स्कोर है। देखो जिसके ना आज के जो ये मॉडल था ना, 65 में से जिसके 50 प्लस सही है ना, उसका बहुत अच्छा स्कोर है। सॉरी 65 क्वेश्चन है, 50 नहीं,
अरे भाई 65 है तो 60 मानो, ठीक है हम बचपन के हिसाब से बोले थे, तो 60 क्वेश्चन से 60 प्लस जिसके हैं ना वो बिल्कुल से अपने आप को सेफ मानिए, क्योंकि बहुत अच्छा लेवल रहने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। अभी हम एक काम करते हैं, 5 मिनट में एक वीडियो रिकॉर्ड करके हम अभी अपलोड कर देंगे एग्जाम के विषय में, जो हमें मतलब कुछ चीजें ऐसी पता चली हैं जिससे मतलब हमें लगता है कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता चलना बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ 4 गलत हुए हैं, शाबाश बहुत अच्छा। तो जिसका 60+ जा रहा है ना वो अपना अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ रचना बोल रही है, थैंक यू सो मच मैम, मेरे तो अभी बहुत गलत हो रहे हैं, मैंने 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, जल्दबाजी में 3 गलत हो गए, अंजना जी बोली। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, जल्दबाजी में थोड़ा बहुत होता रहता है आगे पीछे, ठीक है। तो चलिए ऑफ करते हैं अब, ठीक है। चलिए 8 बजे जो क्लास होती है ना राकेश गोस्वामी सर की, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए।